जब धरती के किसी कोने में तनाव और असमंजस के बीज अंकुरित होते हैं तो विवाद के पौधे का पनपना तय हो जाता है। जाहिर है कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष हो तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सीमा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक विश्वव्यापी मुद्दा बन जाता है। इसी कड़ी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर गुजरते दिन इस संघर्ष की एक अलग तस्वीर सामने आती है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर विश्व में एक नए युद्ध की नींव रखी। आंकड़ों की माने तो उस दौरान करीब 1400 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके साथ ही तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया था। हालांकि 5 महीने से चले आ रहे इस संघर्ष में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं, जहां एक तरफ युद्ध समाप्ति के कयास लगाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि जल्द ही इसराइल अपने जीत का ऐलान करेगा। इसके साथ ही गाजा के दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैन्य हमले में भी तेजी देखी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान समय में इसराइल हमास युद्ध किस मोड़ पर खड़ा है, इस युद्ध में मिस्र की क्या भूमिका रही है, वहीं मौजूदा समय में इस मामले में भारत सहित दुनिया के देशों का क्या रुख है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे, मगर सबसे पहले हमास के बारे में जान लेते हैं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है। इसका अरबी में मतलब इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। दरअसल हमास फिलिस्तीन देश की मांग करने वाला एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साथ ही यह फिलिस्तीनी इलाके के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक दल भी है। इसका मुख्य ठिकाना गाजा पट्टी है। वर्तमान में गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। साल 2007 में इस इलाके पर हमास ने अपना कब्जा जमा लिया था और तब से वो यहां से इसराइल को नेस्तनाबूद करने की उम्मीद में अपने मंसूबों को अंजाम देता रहता है। इस संगठन को साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद इसराइली प्रशासन की जगह इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। इसने साल 1992 में खुद की एक मिलिट्री विंग बनाई थी। इसके समर्थक देशों में ईरान का नाम सबसे आगे आता है। वो इसे आर्थिक मदद के अलावा हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। हालांकि इसराइल और अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन का तमगा दे रखा है, इस फहरिस्त में भारत का नाम भी शामिल है। वहीं हमास का मुख्य क्षेत्र कहे जाने वाले गाजा पट्टी की बात करें तो यह 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी गिनती दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में की जाती है। फिलिस्तीनी ब्रिटिश मैंडेट को 2 भागों में विभाजित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ 1947 में इसराइल, गाजा पट्टी और यरूशलम अस्तित्व में आया। फिलिस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया और 1948 में युद्ध के मैदान में कूद गए। इसे इसराइल ने जीता। नतीजा ये हुआ कि इसराइल और मिस्र की सीमा से लगे क्षेत्र के फिलिस्तीनियों का एक बड़ा विस्थापन हुआ। यह इन दोनों के बीच हुआ कोई पहला बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को एक समय से दबा हुआ गुबार एकदम से निकला और युद्ध के रूप में सामने आया। जहां एक तरफ युद्ध की विभीषिका खत्म होने के कयास लगाए जाते हैं तो उसी दरमियान युद्ध की क्षेत्र सीमा में फैलाव नजर आता है। इसी कड़ी में बीते दिनों संघर्ष की आग गजा के दक्षिणी छोर रफा तक पहुंच गई। गौरतलब है कि रफा का क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां साल 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ कब्जा किया था। हालांकि समझौते के बाद इसराइली सेना वहां से लौट गई, पर रफा को एक बॉर्डर से विभाजित कर दिया गया, जिसके एक तरफ मिस्र तो दूसरी तरफ गजा पट्टी है। वहां पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग बनाई गई जो आज की तारीख में गजा में जाने के लिए एकमात्र जमीनी जरिया है। दिलचस्प बात है कि इस पर इसराइल का सीधा नियंत्रण नहीं है। इस क्रॉसिंग के एक भाग को मिस्र संभालता है। हालांकि गजा में किसी भी सामान के प्रवेश के लिए इसराइल से अनुमति लेनी होती है। अगर यह बॉर्डर क्रॉसिंग
अप्रत्याशित रूप से बंद कर दी जाती है तो फलस्तीनी लोग गजा के बाहर फंसे रह सकते हैं। फलस्तीनियों के विस्थापन जैसे मानवीय कारणों की वजह से मिस्र इस बॉर्डर क्रॉसिंग को हमेशा नहीं खोल कर रखता, साथ ही इसे खोलने के लिए इसराइल के साथ समन्वय करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल मिस्र ने गजा से अब तक 19,608 लोगों को बाहर निकालने की अनुमति दी, जबकि 300 से अधिक लोगों को रोका गया। इस तनातनी के बीच इसराइल और मिस्र के संबंधों में भी तल्खी बढ़ गई। गौरतलब है कि दशकों से मिस्र ने हमास और इसराइल के बीच बातचीत और कैदी अदला बदली सौदों में मध्यस्थ के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है। काहिरा वर्तमान में गजा में युद्ध विराम हासिल करने के प्रयास में इसराइल और हमास के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता की मेजबानी कर रहा है। हालांकि इन सब का नतीजा युद्ध विराम के रूप में सामने आता है। युद्ध समाप्ति को लेकर अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। युद्ध की गर्माहट के बीच कई देशों के आपसी संबंधों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। जहां एक तरफ कई देश खुलेआम इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो कई देशों ने हमास को सही ठहराया है, जिसमें ईरान, सीरिया और कतर हमास के साथ खड़े हैं। मगर बाकी ज्यादातर देशों ने हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। तुर्की ने हमास और इसराइल से शांति बनाए रखने की बात कही है। ऐसा ही बयान रूस की तरफ से भी आया था, उसने भी दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की अपील की थी। वहीं यूएई का इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लेने की खबर से चिंतित दिख रहा है। यूएई ने कहा है कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले को रोकने और शांति बहाल करने की अपील की है। दूसरी तरफ भारत की इसराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही मित्रता है, मगर हमास के हमले के मामले में भारत ने कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। खैर, अब देखना बाकी है कि यह विवाद आगे कौन सा रूप ले सकता है। अभी तो दोनों पक्ष एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। हमास इसे इसराइल के खिलाफ तीसरे इंतिफादा की शुरुआत बता रहा है, तो वहीं इसराइल हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुका है। हालांकि इन घटनाओं ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्रीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्थिति गतिशील और अनिश्चित है, इसलिए तनाव कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल, इसराइल हमास युद्ध का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।